सत श्री अकाल जी सारिआं। आयस दा भाग पहला लेके हाजिर है। अज दे इस भाग विच असीं आयस की हुंदा है उहदे बारे सारी जानकारी प्राप्त करांगे। सो शुरू कर दे। तां आयस दी जिहड़ी फुल फॉर्म है उह हैगी है द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम यानी कि यह एक लैंग्वेज टेस्ट है, यानी कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज टेस्ट है उसे आयल्स कहा जाता है। तो जो ये जो बैंड है 0 तो लेकर 9 तक बैंड होंगे, 0.5 उसमें इंक्रीमेंट होंगे। जो आयल्स है वो दो तरह का होंगे, अगे आयस है जो मैनेज या जो आयस का पेपर है जो लिया जाता IDP जी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिवलपमेंट प्रोग्राम या BC ब्रिटिश काउंसिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा या जिन्होंने कैम्ब्रिज असैसमेंट इंग्लिश डिपार्टमेंट कहा जाता है। सो आयस का जो पेपर है जी ये 2 साल लिए वैलिड होंगे, यानी कि 24 मंथस के लिए। जिम्मे आप उपर दसा कि आयल्स है जी आयल्स पेपर जो टाइप्स होंगे, पहला होंगे अकैडमिक टेस्ट यूनिविटी कहा जाता है। ये 4 मॉड्यूल होंगे, पहला मॉड्यूल लिसनिंग, दूजा रीडिंग, तीजा राइटिंग, चौथा स्पीकिंग। जो आयल्स का पेपर है जी 80 ये उन्होंने होंगे जो बाहर जाके जिन्होंने देशों के इंग्लिश जी उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज है उ जाके जो पढ़ना चाहते हैं, यानी कि स्टडी जो वीजा जी वो 80 के बेस से लगता है। दूजी टाइप अपनी आ गई जनरल टेस्ट जिन्हों GT कहा जाता है। ये भी 4 मॉड्यूल होंगे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ये टेस्ट उन्होंने द्वारा दिता जाता है जो उन्होंने देना चाहिए जिन्हें बाहरले देशों के जाके कनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या होर भी यूरोपियन कंट्री है उन्होंने जाके काम करना चाहते या उत्थे सारी जिंदगी लिए रहना चाहते हैं। तो यह टेस्ट है जो GT उन्होंने होंगे। अगे जी आयल्स का जो पेपर है ये IDP या ब्रिटिश काउंसिल द्वारा लिया जाता है, यानी कि IDP या BC द्वारा लिया जाता है। तो हम कई लोग पूछते हैं कि ये फर्क की है। तो IDP या BC का जो पेपर है जी उसमें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि पेपर है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा सैट किया जाता है, चाहे वह IDP लिए हो चाहे BC लिए हो। दोहां का ही जो रिजल्ट है जी वो 13 दिन बाद डिकलेयर होंगे। तो दोहां की जी फीस है 2021 जी फीस है वो 14,000 रुपये इंडियन, 14,000 रुपये जो एक टेस्ट की आयल्स के पेपर की एक कीमत है। सो ये आयल्स के बारे जिहड़ी भी जानकारी सी उहदा इह भाग पहला इत्थे खत्म हुंदा। सो धन्नवाद।